राम राम जी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। सुबह के अब 7 बजे हैं और आज जो मेरी ड्यूटी लगी है वो बुग्गी ले जाने की है। पिताश्री गए हैं खेत पर और मुझे लेके जानी है बुग्गी, और फिर न्यार वार ला के काट पीट के फिर भैया आज जो है हमारे यहाँ पर जो रतन कौर मैया पर जो है आज भंडारा होने वाला है। तो मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा वहाँ पर क्या क्या होने वाला है और क्या क्या बनेगा भंडारे में प्रसाद के रूप में। तो आप लोग बने रहिएगा हमारी वीडियो पर, और अभी चलते हैं सीधे बुग्गी लेकर। दोस्तों बुग्गी का भी मज़ा एक अलग ही है। बिल्कुल क्या गाड़ी चलाओगे तुम, जो बुग्गी जिसने बुग्गी चला ली उसका एक अलग ही होता है भाई साहब। इतना मज़ा तो गाड़ी में चलाने में नहीं आता जितना बुग्गी में आता है। ये जो आप लट देख रहे हैं ना US का गेयर, और इस गेयर को जय बताओ कैसे कहेंगे, ऐसे खुदा सा मारा चले यू देख बदल रहा जी गेयर लगा टॉप गेयर नेक्स्ट टाइम चले 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 बेटे चल बढ़ गया। ये आनंद आनंद बड़ा मजा आता है दोस्तों चलाने में। जो भी हमारे शहरी भाई हैं वो एक बार जरूर चलाएं, उन्हें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उसे सिखाऊंगा उन्हें कैसे चलती है बुग्गी, पैसा और बुग्गी। तो आइएगा एक बार, सेवा का मौका जरूर लीजिएगा। चल ये देखिएगा ये देखिएगा, आहा जब उछाला मारता है ना बुग्गी भाई सब मजा आता है। और ये सुबह सुबह का नज़ारा इधर खेतों का। और दोस्तों अगोड़े हमने अब रख लिए हैं और अब निकलते हैं सीधे घर के। ये हमारी ईख है, अब घर पर लेकर इसको निकलते हैं, फिर चलेंगे सीधे रतन कौर मैया पर नहा धोकर। तो चलिएगा। तो दोस्तों अब खेत से तो हम आ चुके हैं अगोले बगले लेकर भैया, अब होते हैं हम तैयार क्योंकि हमें चलना है रतन कौर मैया पर, जो हवन हो रहा है इस टाइम, भंडारा हो रहा है वहाँ पर। तो अब मैं नहा लेता हूँ दोस्तों, नहा धो के मैं तो एकदम रेडी हूँ भैया अब, और सीधे अब चलते हैं रतन कौर मैया पर क्योंकि वहाँ पर अभी दो बार मेरा फ़ोन आ लिया कुलदीप का, बोला यार जल्दी आ जा, और पंडित जी भी आने वाले हैं कि पंडित जी हमने 9 बजे का समय दे रखा था, और अभी जो 8:45 हो चुके हैं इस टाइम पूरी। तो अब सीधे निकलते हैं। हेलो गाइस, आज हम रतन कौर पे जा रहे हैं, हमें पापा ले जाएंगे, ये तीन हम तीनों के तीनों जा रहे हैं। वहाँ पे माँ जी भी है, विधु भी जा रही है, विधु नीचे खड़ी है हमारी बाढ़ देख रही है, प्रियंका नहीं जा रही, उसके पापा ने मना कर रही है, तो हमारे पापा लेके जा रहे हैं। तो गाइस हेलो गाइस, देखो हम जा रहे हैं मंदिर में। नहीं ठीक आप बताओ, नहीं बोलोगे तो ठीक है गाइस। तो निकलते हैं सीधे अब रतन कौर मैया पर। तो दोस्तों अपनी जनता पार्टी चलते हुए सीधे रतन कौर मैया पर, ये देखेगा। और सब मैंने ले रखे हैं, क्या खा रहे हो भाई? लॉलीपॉप। अरे वाह भाई वाह, तो भैया एंजॉय करते हुए चल रहे हैं तो एक साथ सारे। और दोस्तों अब हम रतन कौर मैया पर आ चुके हैं, ये हमारे रतन कौर मैया, ये देखिए जय हो मैया। इधर बच्चा पार्टी खेलते हुए, और जी पंडित जी भी आ चुके हैं, और प्रसाद में भैया खीर बन रही है, ये देखिए खीर बनाते हुए नरेश भाई हमारे। ये देख और जब सामग्री लाते हैं तो। और दोस्तों अमित जो है भैया केले के जो है काट के इसमें गिरते हुए खीर में, क्योंकि एक तैयार है, एक हमने तैयार करवा के रख दिया है, अब ये तैयार हो चुकी है इस टाइम, और अमित लगा हुआ है अभी इसमें केले काट के गिरी है, बहुत मतलब बहुत चीज़ गिरे हुए इसमें, ड्राई फ्रूट वगैरह बहुत चीज़ है इसमें, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। बहुत बेहतरीन प्रसाद बनाया है हमारे नरेश भाई ने। और जब हवन की तैयारी हो चुकी है इस टाइम, और हमारे इधर दीपक पांचली यूट्यूबर भी आ चुके हैं इधर पप्पू, और भैया बस तैयारी है एकदम चलने होने की हवन की, पंडित जी ने सारी तैयारी कर दी है। रतन कौर मैया पर जो है चुनरी वगैरह भी उड़ा दी है, माला भी गिर दी है। ओम ईश्वर नमः, ओम कुल देवता नमः, ओम ग्राम देवता नमः, ओम स्थान देवता नमः, ओम वास्तु देवता नमः, ओम वास्तुपते प्रति जानहि अस्मान् समावेशो अन्वयो भवान है यद महे बलम नमः। ओम सह स्वाहा, सूर्याय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा, ओम भजह नमः शंकराचार्य,
नमस्कार चाहे नमः शिवाय चाहे शिवताराय चाहे नमः स्वाहा स्वाहा ओम श्री सत्य लक्ष्मी चाहे पतना हो रात रहे पाशर्वे नक्षत्राणी अब जो है इधर कन्या जी में रही है, खीर दी है इन्हें प्रसाद के रूप में, ये देखिएगा। अरे 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 तू कन्या है क्या? अरे तू तो लड़का है भाई, कौन है तू? ये विद्दू, शोना, दिव्यांशी और वही क्या नाम है आपका? वैष्णवी। आपका क्या नाम है? और जी अब जो है प्रसाद वितरण हो चुका है इस टाइम, ये देखिए सभी लोग खाते हुए प्रसाद। ठीक हो रहा? सही होगा, सही होगा नहीं, पहले पिक्की बता रहे हैं जब। ये हमारी जनता पार्टी जो है प्रसाद ग्रहण करते हुए बहुत बढ़िया। कैसी बढ़िया भाई खीर बच्चों, बताओ? बढ़िया बढ़िया, एकदम एक नंबर, मस्त भाई, वाह। हाँ भाई कैसी बनी बताओ? बढ़िया बढ़िया। अब जो है हो चुका है ड्यूटी का टाइम, क्योंकि 12 बज चुके हैं और अब मैं निकलता हूँ सीधा ड्यूटी पर, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है इस टाइम। तो अब आ चुका हूँ अपनी ड्यूटी पर और अब शाम तक 6 बजे तक यहीं रहेंगे, तो अब बने रहिएगा आप हमारी वीडियो पर जैसा भी है। और आज रतनपुर मैया पर भंडारा होता, वो मैंने आपको दिखाई दिया था। और आप आज यार भंडारे के चक्कर में खीर मैंने ज़्यादा खा ली, तो भैया मैं तो खाना वाना लेके नहीं आया, मैं भूल गया बिल्कुल, क्योंकि भूख उस टाइम पर लग नहीं रही थी। नैतिक का मम्मी का जो है बाद में फ़ोन आया कि आप तो खाना ही लेके नहीं गए, तो मैं बहुत बढ़िया। अब भैया आप ऐसा करते हैं, यहीं पे एक पानी पटाखे वाला है, एक रस वाला भी है, कुल्फी वाला, मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। तो चलते हैं सीधा अभी पानी पटाखे वाले के पास। तो अब जो है भाई मेरी टीम आ चुकी है, मतलब एक मेरा परिवार, जो परिवार होता है ना बिल्कुल अपने परिवार जैसे ही मेरे मित्र मेरे भाई आए हैं। और मैं आज आपको इनसे सब शूट करवाना कर चाहूँगा, मतलब आपको मिलवाना चाहूँगा इनसे। तो सबसे पहले तो हम मिलवाएंगे आपको भुवन जोशी से, ये अपने भुवन जोशी। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, और मेरे दीपक भाई को भी बहुत बहुत हैप्पी होली। और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज आपको भैया मिलवा दूं अपने एक ऐसे शख्स से जो मैं अपना बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह मानता हूं, सगे भाई की तरह। ये हमारे सर हैं मिस्टर सत्यवीर सिंह जी, हैप्पी होली। और हैप्पी होली दीपक चपराना, ये हमारे मनीष भाई कन्वेंशन की काम करने में। और उधर हैं भाई से अपने लोकेश भाई हैं। हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश कुमार डिस्ट्रिक्ट बुलंद शहर, और जी अब मिलवाता हूँ मेरे साथ विवेक चौहान जी से। तो चौहान साहब कोई दो शब्द कहिए हमारे दोस्तों को। बस आप होगी मिल गए सतवीर जी साहब से, मिल गए साहब को। तो आप जो है मैं और मोहन और मनीष भाई हम जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक लेने। हम वैसे पीते खाते तो हम लोग हैं नहीं भाई, बहुत दूर हैं चीज़ों से, तो थोड़ा ब्रेड पकौड़े पकौड़ी और जैसे कि पेप्सी हो गई, ये चीज़ लेकर आनी हम लोगों को बस। दोस्तों आप सभी को होली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारा दिल से प्यार, और मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं भाई को, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड जिला नैनीताल। मैं भाई को अपने साथ लेके जाऊँगा और आपको ऐसी ऐसी जगह दिखाऊँगा जो आपने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। आपको मैं बहुत कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू मोहन भाई। तो मनीष भाई के ब्रो, मनीष भाई हमारे सहारनपुर से हैं। दीपक सर से बोलता हूँ, दीपक सर जो है बहुत अच्छे इंसान हैं, और उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उनको आगे जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई आपका भी। तो चलिए मित्रों अभी चलते हैं थोड़े। एक सेकंड एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, मुझे पता है कि यूट्यूब के मामले में बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी इंसान फर्स्ट स्टेप पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, कोई इंसान किसी से कम नहीं होता। एक कहावत है कि मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर कभी पानी में राजा नहीं बन सकता। तो मेरे भाइयों मैं बस आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि मेरे भाई को सपोर्ट करें, ज़्यादा
ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भाई। दोस्तों अभी आज इधर भैया जाम लग रहा है क्योंकि आज होली के दिन छोटी होली है तो आज बहुत लोग जो है अपने अपने घर जा रहे हैं होली मनाने। ये देखेगा बहुत ज़बरदस्त हमारे यहाँ कंकड़ खेड़ा फ्लाई ओवर आएगा ये आगे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ आज रोड पर। ये NH 58 है जो सीधा हरिद्वार जाता है। ये देखेगा क्या कंडीशन ख़राब है दोस्तों यहाँ की। तो अब मैं ड्यूटी से आ चुका हूँ घर, और घर पर आज भैया हमारे बनाए हैं चावल क्योंकि छोटी होली पर जो है चावल बनते हैं। तो आपको दिखाऊँ, ये देखिएगा कटोरी लग चुकी है इस टाइम, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया होगा हमारी है बड़ी फैमिली। इसमें है दही, ये है चावल, और भाई ये है सब्जी है, क्या है ये शायद ये दाल है भैया, दाल है। और इधर जो है रोटी के लिए तैयारी हो चुकी है, चूल्हे पे जो है आग बल चुकी है, तैयारी पे रखा है, ये चून हो गया है आटा मतलब गूंधा हुआ। तो चलो जी बनाइएगा अभी आप लोग, तो चलेगा। तो मैं थोड़ा इतना स्नान कर लेता हूँ और ना। तो दोस्तों खाने में आ चुका है, चावल हैं, बूरा है, दही है, दाल है। तो अब चलिएगा अब खाते हैं हम लोग खाना। तो नहा धो के हो चुके हैं हम तैयार, क्योंकि मेरी आँख हो रही है लाल क्योंकि मेरे आँखों में ना कलर बढ़ गया था, मतलब जो गुलाल लगाया था अपने स्टाफ ने, तो उसकी वजह से देखो आप देख रहे होंगे लाल हो रही है आँख। तो आइएगा अब आप लोग खाते खाइएगा खाना हमारे साथ। ये देखिए दिव्यांशी भी लग चुकी है, इधर नैतिक लगा हुआ है, लेकिन ये मोबाइल में बढ़ रहे हैं दोनों अभी, इनके दोनों के मोबाइल बंद कराता हूँ, उसके बाद हम खाएंगे लोग खाना। तो ठीक है गाइस। और हाँ कल जो है जो मतलब दुल्हनी है, कल जो कलर है मतलब कलर वाली होली है, तो मैं हमारे गांव में ना एक नगाड़े बजते हैं, मतलब बड़ी बड़ी होली बजते हैं, कंपटीशन होता है। तो मैं आपको सुबह 6-7 बजे करीब जो हो जाता है शुरू, तो कल मैं आपको अच्छी तरह दिखाऊँगा। तो आप लोग बने रहिएगा हमारी वीडियो पर, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको हमारी ये वीडियो ऐसे ही मिलती रहें। तो ठीक है, हम मिलते हैं हम कल।